नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली बेटा न्यूज चैनल। आज आपके सामने एक नई खबर के साथ जी आपको बता रही हूँ। रिलायंस ने दिल्ली स्थित प्योर ड्रिंक ग्रुप से करीब 22 करोड़ रुपए में कैंपा कोला ब्रांड के अधिकार लिए। आपको बता रहे की सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में बड़े उलटफेर की तैयारी कर रही। मुकेश अंबानी अपनी कंपनी रिलायंस रिटेल के जरिए सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। उनके इस मार्केट में आने के बाद पेप्सी, कोको कोला और स्प्राइट बनाने वाली दिग्गज कंपनियों को पर टक्कर मिलने वाली। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 70 के दशक के सबसे चर्चित ब्रांड कैंपा कोला का अधिग्रहण कर लिया है। आपको बता रहे की 22 करोड़ में कैंपा कोला ब्रांड के अधिकार खरीदे। मुकेश अंबानी की योजना इस ब्रांड को फिर से खड़ा करने की। खबरों के अनुसार पता चला है कि दिवाली में अपने 3 फ्लेवर लॉन्च करने की तैयारी कर रही कंपनी। रिलायंस ने दिल्ली स्थित प्योर ड्रिंक ग्रुप से करीब 22 करोड़ रुपए में कैंपा कोला ब्रांड के अधिकार लिए। आपको बता दें कि 1977 में कोका कोला के भारत से बाहर जाने के बाद कैंपा कोला ने ही उसकी कमी को पूरा किया था। एक बार फिर यह ब्रांड मार्केट में आ गया है जी। आपको बता दें कि गौरतलब है कि प्योर ड्रिंक्स ग्रुप 1949 से लेकर 1970 तक देश में कोका कोला का एक डिस्ट्रीब्यूटर रहा है। प्योर ड्रिंक्स के ने खुद का ब्रांड कैंपा कोला और कोका कोला व पेप्सी के देश से जाने के बाद इस सेक्टर का टॉप ब्रांड बन गया है। कंपनी का स्लोगन द ग्रेट इंडियन टेस्ट काफी चर्चित रहा था। कंपनी ने ही देश में कैंपा ऑरेंज लॉन्च किया। कैंपा कोला के रीलॉन्च की जिम्मेदारी मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी संभाल गई। इस सेक्टर में अंबानी परिवार के सीधी टक्कर कोका कोला और पेप्सिको से मानी जा रही है। खबरों के अनुसार पता चला है कि दिवाली तक कैंपा कोला के 3 फ्लेवर को मार्केट में उतार दिया जाएगा। इनमें कोला वेरियंट के साथ लेमन व ऑरेंज फ्लेवर भी होगा। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज की 45वीं AGM में शेयर होल्डर्स को संबोधित करते हुए ईशा अंबानी ने कहा था कि आने वाले समय में FMCG कारोबार के लिए बड़ी योजना है। मार्केट में आने के बाद पेप्सी, कोका कोला और स्प्राइट बनाने वाली दिग्गज कंपनियों को बड़ी टक्कर मिलने वाली। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 70 के दशक के सबसे चर्चित ब्रांड कैंपा कोला का अधिग्रहण कर लिया जी। आपको बता दें कि FMCG सेक्टर रिलायंस रिटेल की बढ़त हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, नेस्ले, ब्रिटानिया जैसी बड़ी दिग्गज कंपनी से होगी। यह इंडस्ट्री 11,000 करोड़ डॉलर से अधिक की है। इस सेगमेंट में विभिन्न प्राइवेट लेबल के जरिए रिलायंस रिटेल की मौजूदगी पहले से ही रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस स्मार्ट जैसी कंपनी के ग्रोसरी चेन स्टोर और ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म जियो मार्ट के जरिए बिक्री होती। रिलायंस रिटेल यस कोलास और स्नैकटेक नूडल्स जैसे कुछ प्राइवेट लेबल ब्रांड्स के जरिए FMCG सेगमेंट में मौजूद है। फैशन और लाइफस्टाइल सेगमेंट को मिलाकर प्राइवेट लेबल्स से कंपनी को करीब 65% रेवेन्यू हासिल होता है।